மும்பையில் நடைபெற்ற மும்பை நாடார் சங்க நிகழ்ச்சி குறித்து மகாராஷ்டிரா முதல்வர் அவர்கள் ஒரு வீடியோ காணொலி வெளியிட்டுள்ளார். அதனுடைய வீடியோ பதிவை வாருங்கள் பார்க்கலாம். नमस्कार, मुंबई नाडार संगम संस्था की 50वीं वर्षगांठ पर यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज आयोजित संस्था के स्वर्ण जयंती वर्ष कार्यक्रम में भाग लेकर आपसे बातचीत करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कारण इच्छा के बावजूद मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। नाडार समाज तमिल का एक महत्वपूर्ण घटक है, समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है। इस भावना को लेकर मुंबई नाडार संगम संस्था का कार्य शुरू है। शिक्षा, आरोग्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नाडार संगम संस्था का कार्य बहुत ही सराहनीय है। स्कूली बच्चों का पढ़ाई का शुल्क, गरीब लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मुहैया करने के लिए आप योगदान दे रहे हैं। अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको सभी तरह की मदद करने का आपका प्रयास काफ़ी प्रशंसनीय है। कोरोना काल में नाडार संगम संस्था द्वारा लोगों को अनाज एवं जरूरी साहित्य देकर आपने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभाया है। इसके लिए भी मैं आप सभी को एवं मुंबई नाडार संगम संस्था को धन्यवाद देता हूँ। इस संस्था द्वारा समाज के विकास के लिए विभिन्न उपक्रम आप नित्य आयोजित कर रहे हैं। 2, 5 या 10 साल नहीं, पूरे 50 साल समाज के उन्नति के लिए यह संस्था अविरत काम कर रही है, ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न के कामराज जी, इनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं के कामराज जी के स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज सम्मानित होने वाले नाडार समाज के सभी मान्यवरों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मुंबई नाडार संगम संस्था के भविष्यकालीन उपक्रमों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।